हमारे नोएडा पुलिस को कई दिनों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि चाइनीज लोन ऐप्स जो होती हैं उसके माध्यम से कई लोगों से ठगी की जा रही है, कई लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनकी मॉर्ब फोटोज मॉर्ब वीडियोस उन लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस सूचना को हमारे साइबर सेल पुलिस द्वारा और हमारे नोएडा सेक्टर 63 पुलिस स्टेशन द्वारा डेवलप किया गया। तो एक ये हमें मार्वल इंटरटेनमेंट के नाम से एक कॉल सेंटर हमने एक बस्ट किया है, इसमें लगभग 12 लोग गिरफ्तार हैं और इनकी मोडस ऑपरेंडी होती है कि ये एक चाइनीज पर्सन के कांटेक्ट में रह करके एक ऑनलाइन वेब पोर्टल चलाते हैं, उस पोर्टल पे सभी कॉलर्स को कॉल करके उनसे लोन रिकवरी करते हैं और जो लोन रिकवरी देने में आनाकानी करता है उनकी मॉब फोटोज़ मॉब वीडियोज़ उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ये सारी चीज़ें उनको शेयर करते हैं एक्सट्रॉशन करने के लिए। ये सारा जो रैकेट है ये ऑनलाइन चल रहा है, सभी की ट्रांजैक्शंस डिटेल इसमें हमारे द्वारा खंगाली जा रही हैं और कई ऐसी कंपनीज़ का नाम इसमें सामने आया है जो पहले यहाँ पे काम कर चुकी हैं और दिल्ली एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में भी वो कंपनीज अभी एक्टिव हैं। इसमें हमारे पास 12 लोग गिरफ्तार हैं, कुछ हमारे पास 36 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, 15 लैपटॉप्स हैं, 150,000 के लगभग कैश है और 135 सिम कार्ड है, हेडफोन्स हैं और अन्य आईटी उपकरण हमारे द्वारा बरामद किए गए हैं। साथ में मैं कुछ ऐसी ऐप्स का नाम बताना चाहूँगा आपके माध्यम से जो आप लोगों में प्रचार प्रसार करें और शायद अब लोग उससे ट्रांजैक्शन करना बंद कर दें। जो ऐप्स पे ये काम कर रहे थे उनका नाम फ्री कैश, मास्टर मेलन, कैश ऑन, लोनीज, क्रेडिट पे, रुपी स्टार, इजी क्रेडिट और मार्ट रुपी करके, ट्रू बैलेंस करके, ये ऐप्स हैं जो अभी भी प्ले स्टोर्स पे लोग इससे आसानी से लोन लेते हैं 4,000-5,000 रुपये का। मेरा मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये सभी जनता से अनुरोध है कि कृपया करके इस आसान जो 4,000-5,000-6,000 रुपये वाले जो लोन वाली ऐप्स हैं उससे आप कृपया करके लोन ना लें। अगर आपको लोन लेना है तो प्रॉपर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हमारे RBI द्वारा गठित बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है जिनको वो गवर्न करता है उससे आप लोन लें, क्योंकि